राजकोट की सपाट पिच पर डकेट ने जड़ा ऐतिहासिक शतक, भारतीय गेंदबाज हुए पस्त। तो गुरु यहां पर बेन डकेट ने दिखा दिया कि बैज बॉल किस चिड़िया का नाम है। सपाट पिच के बादशाह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और राजकोट में उनकी जैसी उनके शैली के मुफीद पिच परोसकर भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बड़ी गलती कर दी है और पहला जो खामियाजा भुगता है वो बेन डकेट का शतक के रूप में। ताबड़तोड़ अंदाज में 102 रन ठोक डाले हैं, अभी नाबाद हैं और अपने बैच बॉल की शैली में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। ना जडेजा की चलने दे रहे हैं, ना कुलदीप की चलने दे रहे हैं, ना ही आर अश्विन का जादुई दिमाग वहां पे कुछ काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ बेन डकेट का तूफान हमें राजकोट के मैदान पर देखने को मिल रहा है। ये आप स्ट्राइक रेट पर नजर डालिएगा, 88 गेंद 102 रन, यानी कि 140 प्लस का स्ट्राइक रेट है। क्या बेहतरीन, क्या लाजवाब, रिवर्स स्वीप, स्वीप, कन्वेंशनल शॉट, अनकन्वेंशनल शॉट, भैया सबका नजारा इन्होंने पेश किया और दिखाया कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भजेड़ू बल्लेबाजी नहीं हो रही है, ये आपके गेंदबाजी के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है और ये जो पूरी टीम है हमारी चुस्त है, तैयार है, तैनात है। आप चाहे जितना टारगेट दे दीजिए भैया, हम तो उसको बैच बॉल शैली में ही खेलेंगे। और मैंने जब पहली पारी समाप्त हुई थी भारतीय टीम की, तभी आगाह किया था, तभी चेताया था कि ये जो स्कोर भारतीय टीम ने लगाया 445 का, ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, क्योंकि ये जो पिच है राजकोट की, ये इंग्लैंड के बल्लेबाजों की मुफीद पिच है। यहां पर उनकी शैली जो है बैच बॉल वाली वो कारगर होगी, क्योंकि जब बॉल कुछ हरकत नहीं करेगी, स्पिनरों के लिए कुछ मदद नहीं रहेगा, रिवर्स स्वीप स्वीप खेलना आसान रहेगा, तो भैया ये तो अपना काम आसानी से करते हुए दिखेंगे। बेन डकेट ने दिखाया कि ऐसी पिचों का इंतजार करते हैं हम। यहां पर इनका भारतीय सरजमी पर पहला शतक है, काफी लाजवाब पारी है, ऐतिहासिक पारी है, इंग्लैंड को काफी मजबूत स्थिति में लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है। तो भैया बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप और बेन स्टोक्स ने अभी तक काफी प्रभावित किया है और ये जो खिलाड़ी हैं पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बैच बॉल के नाम पे लपेटने वाला शॉट नहीं खेल रहे हैं, बल्कि काफी सूझबूझ समझ से अपने शॉट एग्जीक्यूट करते हुए दिख रहे हैं और ये जो शॉट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके लिए काबिलियत बड़ी होनी चाहिए। अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें, ये वीडियो बनने तक 29 ओवर समाप्त हो चुके हैं भारतीय टीम के, 176 रन। रन रेट की बात करें तो 6 से ऊपर का है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपैक्ट है इंग्लैंड के बल्लेबाजों का बल्लेबाजी करते हुए। और ये मुकाबला ड्रॉ तो कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर इसी शैली से इंग्लैंड के बल्लेबाज खेलते रहे तो परिणाम आएगा ही आएगा। वहीं डकेट की स्कोर की बात करें तो 117 रन पे नाबाद है 97 गेंदों पे और ओली पोप 37 रन पे नाबाद है 51 गेंदों पे। दोनों ने साझदारी अच्छी खासी कर ली है और बेहतरीन ढंग से वो खेलते हुए दिख रहे हैं, 88 रनों की साझदारी हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दाग दीजिएगा कि ये इंग्लैंड टीम जिस बैच बॉल शैली में खेल रही है कब तक अपना लीड उतार देगी, कितने का लीड दे पाएगी, आप भारतीय गेंदबाज, भारतीय स्पिनर इस मुकाबले में वापसी करते हुए आपको दिख रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।